गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम जो है वो हो रहा है 7:43 एंड अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। 8 बजे मैम ने पहुंचने को बोला था, लेकिन आई डोंट थिंक सब उतना जल्दी घर से निकले होंगे। और मैं खा के भी नहीं गई हूँ कुछ, मतलब नारियल पानी पी के गई हूँ। मैं वहाँ लाइक रास्ते में कुछ अगर होगा, दही बड़ा बड़ा आलू चाप ऐसा कुछ स्टॉल होगा तो खाऊंगी, और अगर नहीं होगा तो नहीं खाऊंगी। और रास्ते में थोड़ा चिप्स भी लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर वहाँ मैम ने बोला कि कुछ अगर कुछ खाने के लिए लाओ तो खा लो, इसलिए मैंने पानी तो लिया है ठंडा वाला। और बस अभी वहाँ रास्ते में जाते हुए चिप्स लूँगी और खा के जाऊँगी। और आप लोगों को पता है आपकी प्रियांशी कितनी अच्छी हो गई, वो आजकल और चिप्स ज़्यादा नहीं खा रही है। गुड, वेरी गुड। तो मैंने मेरा आपको मतलब कंटिन्यूसली बजाय रहना चाहिए। मैं आपको मेरा आउटफिट दिखा देती हूँ। ये है कुर्ता और ये जीन्स। जीन्स मुझे ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है, ठीक ठाक है, क्योंकि इसका कलर डार्क है और इसके साथ अच्छा दिखेगा। और ये कैप्री भी, और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी नहीं है, दैट्स वाई। तो चलो मैं चलती हूँ एंड आप लोगों से मिलती हूँ 10 बजे आने के बाद। बाय। सो मैं वापस आ चुकी हूँ और आप सोच रहे हो प्रियांशी तूने लाइट ऑन नहीं किया, फैन ऑन नहीं किया, क्या कर रही है। तो मैं बता दूँ, आके लाइट फैन ऑन किए थे हम लोग, हर एक रूम का भी नहीं किए थे। पापा की वजह से इन्वर्टर चला गया, पापा ने बहुत सारा लाइट फैन ऑन करके चले गए थे पापा, इसीलिए। और अभी हमारा इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहे और लाइन भी नहीं है, तो गर्मी लग रही है बहुत जोरों की। ये मेरे पास जो ठंडा पानी देख रहे हैं, ठंडा पानी, इसको मेरे सर के ऊपर डाल देती हूँ। सच्ची में मजाक नहीं करी। ठंडा लगा, अभी यही करना पड़ेगा। आप लोग मतलब जब लाइन जाता है, हमारे घर में भी लाइन होता नहीं, मतलब इन्वर्टर से होता है। लाइन आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो गर्मी तो बहुत लग रही है और इन्वर्टर भी खत्म हो गया। तो आज हमें ऐसा रहना पड़ेगा जब तक लाइन वापस नहीं आता, और जब लाइन वापस आएगा तब हम लोग शांति मिलेगी हमें। प्लीज़ प्लीज़ भगवान, लाइन आ जाए, प्लीज़। इन्वर्टर भी खराब हो गया किसी के घर में, लाइन नहीं, मतलब हमारा इन्वर्टर का लाइन नहीं, आंटी अंकल के घर में लाइन ज़रूर होगा, लेकिन क्या करें, अब उनके घर से जाकर रहूँगी नहीं ना मैं, तो इसलिए आई हैव टू स्टे हियर ओनली। और अब देख सकते हो, अभी मैं, मेरा मुंह धोई थी ठंडे पानी से, फिर से आ गया है गर्मी भी है। मैंने कुछ रील्स भी चूज कर रखी थी बनाऊंगी बोल के, बट वो मम्मी को शूट करना पड़ेगा, और इतनी धूप और गर्मी में तो आई डोंट रियली थिंक कि कर पाएंगे हम रील्स। तो गर्मी बहुत है, ओह माय गॉड, मुझे फिर से ठंडा पानी डालना पड़ेगा अपने मुँह के। प्लीज मुझे देख के कोई हंसना मत, प्रियांशी तुम ठंडा पानी डाल रहे हो अपने ऊपर गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ, मेरा टॉप भी गया, मेरा पैंट भी गया, ठंडा पानी से भीग गया मेरा टॉप, सर भी भीगा। कितनी बेशरम लड़की हूँ मैं। शांति मिले, मेरे टॉप पूरा जो गीला हो चुका है, और इसका क्या करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। गीला हो चुका है मेरा टॉप, पूरा नहीं, यहाँ थोड़ा बाकी है, लेकिन अभी मैं 2 मिनट खड़ी हो गई धूप से, आ जाऊँगी ना फिर सूख जाएगा।
अगर लाइन आता है तो मैं आप लोगों को गाइस खुशखबरी दूंगी, वरना आज बिना लाइन के हमें अपना दिन गुजारना पड़ेगा। इसलिए हमारा इंटरनेट काम करे, क्योंकि बिना इंटरनेट बिना लाइन के मैं नहीं रह सकती। इसलिए गर्मी में क्यों ना मैं जा रही हूँ इलेक्ट्रिक खंभों का ठीक करने। रहना ही नहीं कर रही हूँ, मुझे बिना इंटरनेट के नहीं दे दो, मुझे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं 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 पीती, नहीं। पागल पागल है क्या ये इलेक्ट्रिक खंभा वाले लोग? खाने चले गए और इलेक्ट्रिक का खंभा भी ठीक नहीं कर रहे। अरे ये तो समझो कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है, इतने गर्मी में रह रहे हैं हम। उन लोगों को थोड़ा देखो, धूप में इतना काम कर रहे हैं ताकि तुम्हारा लाइन आ जाए। कौन धूप में काम कर रहा है? गाना बजा कर ना चल, अब मैं कमर तोड़ दूंगी आखे। अरे लाइन ठीक करो या। ओ, तुलसी का पौधा मैंने लगा दिया और ये उग भी गया है। तभी अभी लाइन आया फिर चला गया। पानी भरने के लिए लाइन आ गया कि इन्वर्टर से चला? इन्वर्टर से नहीं, लाइन आ गया, लाइन आ गया। ओह गाइस आई एम सो हैप्पी लाइन आ गया। मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही थी, लेकिन थैंक यू उनको लोग जो लोग कर लिए, लाइक रेस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज वो लोग इतनी मेहनत से धूप में कर रहे हैं, हम लोग घर के अंदर ही हैं गर्मी में। तो वो लोग सुबह से सोच तो धूप में कर रहे हैं काम बेचारे, और मैं खाली गुस्सा हो रही हूँ। सॉरी अंकल जी, वे एक्सपेक्ट हमारा नेट भी आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो उसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा ब्लॉग भी सही टाइम पे आ जाएगा। मैं जाऊंगी, मेरा होमवर्क भी अच्छे से कर लूंगी, लाइट भी होगा, लेकिन पानी भी भर दी मम्मी। लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत बार गाँव में एक्सपीरियंस किया। अगर लाइन आता है और तुम ज़्यादा खुश होते तो लाइन फिर चला जाता है, तो इसलिए मैं बहुत मैं हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। एब्सोल्युटली नो सेंस, लेकिन फिर भी गाइस मैं बोली थी लाइन चलाएगा, लेकिन अभी भी आ चुका है लाइन, बट वोल्टेज बहुत लो है, अभी भी काम जारी है। तो इसलिए हम लोगों ने लगाया है फैन, एक टेबल फैन, वो भी ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहा है। जितना चल रहा है मेरे लिए मैं खुश हूँ, और वो वाला फैन भी जितना चल रहा है मैं खुश हूँ, इट्स इनफ फॉर मी एक्चुअली। लाइक अभी तो एसी वैसी में तो रह नहीं सकते ना, तो इसलिए जितना है मेरे पास आई एम हैप्पी फॉर दैट। और मैं ये बड़ा वाला लाइट जल नहीं रहा है, तो मुझे मेरा जो लैम्प नाइट लैम्प है उससे पढ़ना पड़ा। अभी अभी मेरा मैथ ख़त्म हुआ है, दो क्वेश्चन मैंने आधे में छोड़ा, क्योंकि मुझे मुझसे वो सिंप्लीफिकेशन जो काटाकुटी होता है मुझसे वो नहीं हुआ, और दो क्वेश्चन मुझे नहीं है, तो वो सर से पूछेंगे। बाकी मेरा हो गया है, और इंग्लिश का कुछ होमवर्क नहीं है, आज लेना है ग्रामर। एनीवे मैं चूज़ कर लेती हूँ पेन ना किया, क्योंकि जब भी मेरे पास ट्यूशन जाने के लिए ज़्यादा टाइम होता है तो मैं चूज़ कर लेती हूँ कि व्हाट डू आई हैव टू वेयर। ओ आई मीन लाइक जब से लाइन आया ऐसा नहीं है कि लाइन गया नहीं है, क्योंकि बहुत दो बार गया था लाइन बीच में। एनीवेज सल्यूट, बिग सल्यूट टू द वर्कर्स जो लोग इतने धूप में काम कर रहे हैं। हमारे बस की तो बात है नहीं ये सब, सो वी कॉन्ट डू दैट, बट एनी वे स्टिल रिस्पेक्ट। लेट्स सी हम पहनने क्या वाले हैं। सोच रही थी कि ये कार्टून नेटवर्क वाला टॉप पहनूँ, एक बार पहन के गई थी ट्यूशन, बट अभी सौ सौ कपड़े तो नहीं है, मैंने तो मैं 7-8 ही रखी हूँ ट्यूशन में यार, जो कि मैं पहनती हूँ लाइक चेंज कर करके, तो उतना सारा भी मैं ट्यूशन के लिए नहीं रखती हूँ। कुछ कुछ हैं जो थोड़े फ्रॉक्स हैं, और मैं फ्रॉक्स पहन के कभी ट्यूशन जाती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, सो आई ऑलवेज वेयर अ पेयर ऑफ पैंट्स एंड गो टू ट्यूशन फ्रॉक, क्योंकि मैं साइकिल चलाती हूँ ना, तो वो फ्रॉक जो वो ऊपर हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनती हूँ फ्रॉक। इसलिए नाउ लेट्स चूज द पैंट्स। आपको खूब अच्छे से पता है कि व्हाइट के साथ ब्लैक ही अच्छा लगता है, सो हियर्स अ पेयर ऑफ ब्लैक पैंट्स एंड वी आर डन। क्लासिक ब्लैक पैंट्स और कार्टून नेटवर्क टी शर्ट, एंड दैट्स माई गो टू आउटफिट। सो
चेयर में है, मुझे भूख लग रही है। क्या आप लोगों को भूख लग रही है? क्योंकि मैं आज खाई हूँ पानी भात। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस से, बट वी ओडिया से इट एज पखाड़ो, अगर कोई ओडिया देख रहे तो। गर्मी आज बहुत लग रही थी और मम्मी बोल रही थी खिचड़ी बनाओ, लेकिन इतनी चुपचुप वाला गर्मी में घी वाला खिचड़ी खाने का मन नहीं हुआ था। मैंने बोला कि मम्मी पखाड़ो दे दो। पखाड़ा, आई डोंट नो व्हाट डू यू से पखाड़ो इन हिंदी, तो मैं पखाड़ो ही बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं पता मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये होता है कटोरा, कटोरा थोड़ा बड़ा वाला जिसमें लोग मैगी बनाते हैं, काइंड ऑफ। आई डोंट नो हाउ यू विल अंडरस्टैंड, बट वोल्टेज थोड़ा कम हो गया, नो प्रॉब्लम। राइस, और जो राइस को बॉइल किया उसके साथ वो वाला पानी भी, दैट इज़ पखाड़ा। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा मेरी मम्मी को आता है दही और पखाड़ा खाने में। दही हमारा जम गया था तो मुझे भी मन था दही पखाड़ा खाने के लिए, लेकिन नहीं खा पाई। फिर जो मुझे भूख लग रहा है, अभी टाइम हो रहा है 16 कितना होता है, 4:13। आई एम हैप्पी, आई डोंट हैव एनी होमवर्क टू डू, क्योंकि 16 तक हमारी छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डू अ DIY। तो आई लिटरली गेट सो हैप्पी जब मुझे DIY का टाइम मिलता है। लेकिन जब से मेरा स्कूल खुला मुझे DIY का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, नॉट इवन ऑन संडेज, क्योंकि संडेज को शूटिंग होता है, एडिटिंग होता है। एंड गेस व्हाट, अभी हम लोग करने वाले हैं जर्नलिंग। मैंने ना मम्मी के मोबाइल में कुछ पोस्ट सेव करके रखी थी इंस्टाग्राम के, जो मैं रिक्रिएट करूँगी। घटे से आई एम टीयरिंग दिस, सो विल डू फ्रॉम दिस पेज। मैंने मेरा जर्नल का इतना ख़त्म कर दिया, आई कांट बिलीव, दैट्स वेरी नाइस। तो या आई एम प्लानिंग टू एंड दिस जर्नल, एंड जब तक ये एंड नहीं होता, ये ईयर 2023 एंड नहीं होता है या तब तक। और परी भी आने वाली है कुछ दिनों में, तो हम दोनों एक साथ बहुत जर्नल करेंगे एंड ट्रैवलिंग भी करेंगे। सो गुड डेज आर अबाउट टू कम, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एनीवे चलो मैं देखती हूँ कुछ कुछ जो मैंने सेलेक्ट किया है, एंड अगर मेरा मन होगा तो आई विल शूट दैट, एंड वो ड्राफ्ट में रखे रहूँगी, एंड बाद में यू विल सी इट ऑन माई चैनल। सो या वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, एंड अभी अभी मैंने कंप्लीट किया मेरा ये जर्नल जो है लाइक अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में बेसिक्स, और आई एम एप फ्रॉम म्यूजिक एंड ऑल एवरीथिंग आई लव। तो मुझे, मैंने सोचा था कि मैं इसको फिल्म करूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि आई थॉट आप लोगों को ये बोरिंग लगेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो मैं इसे एक और जर्नल करूँगी, एंड आई विल डेफिनेटली फिल्म फॉर द जर्नल। मुझे बहुत जरूर की भूख लग रही है, टाइम देखते हैं 4:50, 5 बजे ने दो फिर जाऊँगी खाना खाने। सो गाइज आई एम बैक, एंड अभी जो है टाइम हो रहा है 9:38, और मुझे कल मॉर्निंग को जल्दी उठना है क्योंकि हमारा 7:30 से कल प्रैक्टिस है। जी हाँ, कल भी प्रैक्टिस है, तो कल आखिरी दिन है जिस दिन मुझे ये सारा झंझट होगा, उसके बाद आए मुक्त 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 हाथ मातमा। मैं क्यों कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिसाइड क्या पहन के जा रही हूँ। हाँ ऑब्वियसली, अगर डिसाइड नहीं करूँगी तो क्या पहन के जाऊँगी वो मैं सोच नहीं पाऊँगी, अगर मैं सोच नहीं पाऊँगी तो मैं पहन नहीं पाऊँगी, अगर मैं पहन नहीं पाऊँगी तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए चलो मैं सोच लेती हूँ क्या पहनना है। कुर्ता ही पहनना है डेफिनेटली, आज जैसे पहनी थी, और सेम तो नहीं पहनूंगी, तो मेरे पास है और 2-4, सो आई विल सर्च। दिस कुर्ता है मेरी मामी का है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुर्ता नहीं खरीदती हूँ, तो ये आई थिंक मुझे फिट हो जाएगा। हाँ अभी तो मुझे फिट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ पैंट कौन सा पहना है वो मैं, कोई लेगिंग्स पहन लूँगी मेरा वाइट कलर का तो वो वहाँ है। तो ये कुर्ता, कौन चिल्ला रहा है, तो लाइन नहीं है हमारा अभी भी, फैन जो है चल रहा है बहुत लो वोल्टेज में। कल का आई डोंट
नो मेरे ट्यूशन का कुछ होमवर्क है कि नहीं, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिस से वापस आऊँगी थोड़ा रेडी वेडी होना है, फिर मेहंदी भी अभी लगाऊंगी रात को, अलता हाथ में नहीं लगाए वरना पूरा लाल लाल हो जाता है, तो मेहंदी आई विल अप्लाई एंड या मेहंदी है आज लेकर आए थे स्कूल से आते वक्त, और देखना पड़ेगा मुझे कल क्या क्या है ट्यूशन में, सो आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। प्लीज़ प्लीज़ कुछ होमवर्क किसी का ही ना हो, मेरा लक ही ख़राब होता है साइंस और मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है गाइस। हाँ अगर फंक्शन का टाइमिंग चेंज होगा तो कल मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी, और टाइमिंग नहीं चेंज होगा तो मैं आई विल गो ट्यूशन ट्यूशन टुमारो। साइंस हिस्ट्री दोनों का टेस्ट है तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मैं अभी इतना रात से तो पढ़ूंगी नहीं, मैं कल पढ़ूंगी, क्योंकि फिर इतना तैयारी भी करना है, तो लाइक मैं नहीं जाऊंगी कल ट्यूशन, आई थिंक 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 लेट्स सी क्या होता है। वैसे भी जब भी व्लॉग आ रहा होगा आई डोंट नो कल व्लॉग टाइम पे आएगा कि नहीं, बिकॉज मम्मी को कल बहुत सारा झंझट है, तो अभी मैं फ़िलहाल जाने वाली हूँ हाथों में मेहंदी 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 लगाने, तो या एंड आई विल एंड द वीडियो राइट नाउ, तो या थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड, एंड अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। आज बिना लाइन के गाइज हम लोग लाइक सुबह से तो नहीं, जब से मैं वापस आई हूँ यहाँ क्या स्कूल से, तो या आई रियली होप रात को फिर लाइन ना जाए, प्लीज भगवान प्लीज प्लीज प्लीज, तो या बाय गाइस सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।